ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां सभी गांववासी एक साथ मिलकर रहा करते थे। उसी गांव में किशन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो एक पुजारी था। उसकी श्रद्धा शिवजी में बहुत थी। ऐसे ही एक दिन किशन शिवजी भगवान की पूजा करके अपनी बीवी सपना से कहता है, सपना आज मैं काम देखने जा रहा हूँ, शिवजी की दया से देखना, इस बार मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, उसके बाद हम आराम से अपना जीवन जी सकेंगे। मुझे भी अपने शिवजी पर पूरा भरोसा है, वे हमारे साथ अच्छा ही करेंगे, इसलिए आप आराम से जाइए और फिकर मत कीजिए, जो होगा अच्छा होगा। अब किशन नौकरी की तलाश में घर से बाहर जाता है और उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। शाम को किशन घर आता है और ये खुशखबरी अपनी बीवी सपना को देता है। सपना, तुम विश्वास नहीं करोगी, मैं जिस कंपनी में नौकरी के लिए गया था वो कंपनी सच में बहुत बड़ी और बहुत अच्छी है। अब हमारी सारी परेशानी चुटकियों में खत्म हो जाएगी। मैंने आपसे कहा था ना, शिवजी हमारे साथ है और आप तो शिवजी के बहुत बड़े भक्त हैं। फिर शिवजी भगवान आपकी कैसे नहीं सुनते, वे तो भोले भंडारी है। हाँ सपना, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, पर सपना एक दिक्कत है, वो ऑफिस जंगल के बाहर है, इसके लिए मुझे रोज उसी जंगल से आना जाना पड़ेगा जिस जंगल की अफवाह फैली है चुड़ैल की। अगर उस रास्ते से जाना है तो आप ही नौकरी छोड़ दो, आपके लिए शिवजी कोई दूसरी नौकरी ढूंढ देंगे, पर आप इस नौकरी को नहीं करेंगे। भगवान शिव पर यकीन कीजिए, वे जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। सपना, तुम छोटी छोटी बातों पर घबरा क्यों जाती हो, तुम ही तो कहती हो ना कि शिवजी भगवान हमारे साथ है, जब शिवजी भगवान स्वयं हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या जरूरत है। किशन ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वे जिस कंपनी में काम करने जा रहा है उस कंपनी का रास्ता जंगल से होकर जाता है और उस जंगल में चुड़ैल है, पर फिर भी किशन चुड़ैल से नहीं डरता और जंगल के रास्ते ऑफिस जाता है। आज किशन का ऑफिस में पहला दिन था। उसका पहला दिन ऑफिस में बहुत अच्छा गुजरता है। रात को किशन को आते हुए लेट हो जाता है। किशन अकेले पर जा रहा था, तभी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और एक पेड़ टूटकर उसके सामने गिर जाता है। हे भगवान, ये पेड़ अचानक से कैसे टूटकर गिर गया, शिवजी आपका आशीर्वाद था जो मैं इस पेड़ से बच गया, पर यहाँ का मौसम सही नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। इतना बोलकर किशन एक बार फिर चलने लगता है और इस बार उसे किसी के घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, पर किशन मुड़कर नहीं देखता और शिवजी का नाम जपते हुए आगे की ओर बढ़ता है। पर तभी उसे किसी चुड़ैल की हंसने की आवाज आती है और एक चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उसके सामने आ खड़ी होती है। तू बनेगा मेरा शिकार, कई दिनों से भूखी हूँ, इस जंगल में कोई नहीं आता। बहुत दिनों बाद मुझे इतना स्वादिष्ट शिकार मिला है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा दूंगी और तेरा खून पीकर अपनी आत्मा को तृप्त करूंगी। चुड़ैल, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ और भगवान शिव जी मेरे साथ हैं। तुम जैसी चुड़ैल मेरा बिगाड़ना तो तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। बेवकूफ आदमी, ये तेरी गलत फहमी है, अब भगवान नहीं सिर्फ चुड़ैल होती है, सिर्फ चुड़ैल। इतना बोलकर चुड़ैल किशन के ऊपर हमला करने जाती है कि तभी उसकी नजर किशन के गले पर पड़े शिवजी भगवान के अलौकिक लॉकेट पर पड़ती है। शिवजी भगवान का लॉकेट देखकर चुड़ैल की सारी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती है और वे किशन का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और किशन उसके सामने गल जाता है और घर जाकर सारी बात अपनी बीवी सपना को बताता है। सपना, आज तो मैं बाल बाल बच गया, मुझे तो लगा था कि वो चुड़ैल मेरा खात्मा ही कर डालेगी। क्या चुड़ैल? आपने चुड़ैल को देखा? मैंने आपसे कहा था ना कि ये नौकरी छोड़ दो, आपको कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी सुननी नहीं थी। देखो आज क्या हो गया, वह तो अच्छा है कि आज शिवजी ने आपको बचा लिया, पर मुझे डर है अगर उस चुड़ैल ने आपको अपना शिकार बना लिया तो। हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करो। सपना, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है,
पर तुम्हारा कहना भी ठीक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ कुछ नहीं होने देंगे। जैसे अब तक वो हमारी रक्षा करते आए हैं, आगे भी वो हमारी रक्षा करेंगे। अपनी आंखों से चुड़ैल को देखने के बाद किशन के भी होश उड़ चुके थे। किशन काफी डरा हुआ था, पर अपनी पत्नी सपना को अपना डर दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए वे शिवजी का नाम जपकर सो जाता है। किशन काफी गहरी नींद में होता है, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें स्वयं शिवजी भगवान आते हैं और किशन से कहते हैं, किशन वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, उसका वध सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ। और इस वक्त वो चुड़ैल बहुत गुस्से में है क्योंकि तुम उसके हाथों से बचकर निकल आए। मैंने उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए ही तुम्हें चुना है, इसलिए तुम डरो मत और मुझ पर भरोसा रखो। कल तुम्हें उसी रास्ते से आना है ताकि मैं उस चुड़ैल को बता सकूं कि मेरे भक्तों पर नजर डालने का क्या नतीजा होता है। प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं कल जरूर उसी रास्ते से आऊंगा। भगवान शिव उसके सपने से चले जाते हैं और एकदम से किशन की आंखें खुल जाती है और किशन सारी बात एक बार फिर अपनी बीवी को बताता है। लगता है भगवान उससे बहुत गुस्से में है क्योंकि उस चुड़ैल ने आपको मारना चाहा। मैं अब बहुत खुश हूँ क्योंकि शिवजी ने इस काम के लिए आपको चुना। आप डरिए मत, साक्षात शिवजी हमारे साथ हैं। उन्होंने आपको सपने में दर्शन दिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द शिवजी भगवान हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिलवा देंगे। सपना और किशन प्रभु पर विश्वास रखते हैं और अगली रात को किशन उसी जंगल के रास्ते से घर आता है और एक बार फिर वही चुड़ैल किशन का रास्ता रोक लेती है और उससे कहती है, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ है कि मेरा शिकार मेरी नजरों के सामने से चला जाए। पर कल तुम उससे बचकर निकल गया, आज देखती हूँ कि कौन तुझे बचाता है। आज तुझे तेरा भगवान भी नहीं बचा सकता मुझसे। चुड़ैल के इतना बोलते ही वहाँ साक्षात शिव जी भगवान प्रकट हो जाते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, मैं बचा लूंगा अपने भक्तों की जान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्तों पर हाथ डालने की? मेरे भक्तों पर हाथ डालने वालों को मैं कभी माफ नहीं करता। अब तुझे इस दुनिया से मुक्ति मिलेगी और तेरा नामो निशान खत्म हो जाएगा। मैं इस जंगल में पिछले 1000 सालों से हूँ, मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो जैसा भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुड़ैल तेरा यही घमंड आज तोड़ने मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। इतना बोलकर शिवजी और चुड़ैल के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और आखिरकार भगवान शिवजी अपने त्रिशूल से उस चुड़ैल का वध कर देते हैं, जिसके बाद रामपुर के सभी गांव वालों को उस शैतान चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और एक बार फिर जंगल का रास्ता खुल जाता है और अब सभी आराम से उस रास्ते में आते और जाते हैं। नीलम शादी के बाद ससुराल में अपना पहला कदम रखती है। सभी लोग बहुत खुश थे, हर किसी के बहू की पहली रसोई का इंतजार था। तभी सास आरती अपनी बहू से बोलती है, नीलम बहू कल तेरी पहली रसोई है और कल तुझे 5 प्रकार के अलग अलग हलवे बनाने हैं, जैसे मूंग दाल, गाजर का, सूजी का, बेसन का और आटे का। इन सभी का पहले भोग लगाया जाएगा, उसके बाद सभी रिश्तेदारों को खिलाया जाएगा। हमारे यहाँ बहू पहली बार मीठा बनाती है और जो परंपरा बरसों से चलती आ रही है वही परंपरा मैं अभी तक लेकर चल रही हूँ। मैंने भी अपने टाइम में 5 प्रकार के अलग अलग हलवा बनाया था, तो तू भी बना दे। माँ जी 5 प्रकार का अलग अलग हलवा, इसे बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ टाइम तो लगेगा, इसलिए सुबह तुझे 4 बजे उठना है और सुबह 4 बजे उठने के बाद 2 घंटे तुझे किचन में लगेंगे। उसके बाद तुझे पूरे घर की सफाई करनी है, मंदिर साफ करना है और भगवान जी को नहला धुला कर उन्हें भोग लगाना है। उसके बाद ही तो सभी रिश्तेदार सभी खाएंगे। अब जो रीति रिवाज है वे तो करना है ना बच्चे? हाँ माँ जी वे सब ठीक है, चलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगी सुबह। नीलम भी बहुत खुश थी। ऐसे ही रात को नीलम अपने कमरे में सोने जाती है।
बेचारी के सर में बहुत खुजली होती है। वो बार बार अपना सर खुजा रही थी, तभी उसका पति मनोज कहता है, क्या हुआ नीलम, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? बार बार तुम अपना सर क्यों खुजा रही हो? सब ठीक तो है ना? सर में कुछ हो गया क्या तुम्हारे? पता नहीं, जब से यहाँ आई हूँ तब से सिर में बहुत खुजली हो रही है। अच्छा, होता रहता है कभी कभी, चलो तुम आराम से सो जाओ। इतना बोलकर मनोज सो जाता है, लेकिन नीलम को रात भर नींद नहीं आती। उसके सिर में बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी। ऐसे ही अगली सुबह नीलम 4 बजे उठती है और सभी के लिए हलवा बनाना शुरू करती है। उसे बार बार सर में खुजली हो रही थी, तभी नीलम सिर से एक जू निकालकर उसे जमीन पर रखकर अपने अंगूठे से मारते हुए कहती है, सत्यनाश हो तुम लोगों का, तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे इतना भी कोई किसी को परेशान करता है क्या? कम से कम खाना बनाने के समय तो सो जाया करो। अगर इस तरह से बार बार मेरे सिर में खुजली करोगे तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? और आज मेरी पहली रसोई है, कुछ भी बर्बाद मत करो मेरा। तभी वहाँ नीलम की सास आ जाती है और नीलम की सास उससे बोलती है, क्या हो गया बाबू, तू किससे बात कर रही है अकेले में? कौन तुझे परेशान कर रहा है? जरा मुझे भी बता दे, अच्छे से खबर लूंगी उसकी। अरे नहीं माँ जी, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है। दरअसल रात को थोड़े उल्टे सपने आ रहे थे। शादी के बाद पहली रात थी और जगह अचानक से चेंज होने के बाद ना मुझे कुछ दिन तक ऐसे ही उल्टे बुरे सपने आते हैं, तो बस यही था और कुछ नहीं। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। जल्दी से बना, पूजा करने का समय हो रहा है। हाँ माँ जी, सब कुछ रेडी है। थोड़ी देर बाद नीलम अपने सभी रिश्तेदारों को अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाती है। सभी रिश्तेदार नीलम के हाथ के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। नीलम सभी रिश्तेदारों के सामने सर झुकाने लगती है। ये देखकर एक रिश्तेदार नीलम से कहती है, अरे बहू क्या हुआ, तुझे बहुत देर से देख रही हूँ कि तू अपने सर में खुजली कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे सर में जू है? अगर जू है ना तो हमसे दूरी बना कर ही रखना। ऐसे लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते जिनके सिर में जू होती है। रिश्तेदार के मुंह से ये बातें सुनकर सब लोग नीलम को देखने लगते हैं। नीलम को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वे वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद नीलम की सास नीलम के पास आती है और कहती है, वैसे बहू सच बता, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है कि तेरे सिर में बहुत खुजली होती है। सच में तेरे सर में जू है? देख मुझसे तो कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है तुझे। हाँ जी माँ जी, मेरे सर में जू है और जू की वजह से मेरे सर में खुजली हो रही है। क्या तेरे सर में जू है? हे भगवान, तेरी वजह से अब हम सबके सर में भी जू आ जाएगी। एक काम कर, तू ना मेरे बेटे से दूर रह और हमारी पूरी फैमिली से भी। हमारे पास आने की और हमारे आसपास भटकने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये मेरे सर से चली जाएंगी। मुझे अभी कुछ दिन से टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं अपनी जुए को सर से निकाल पाऊँ। अरे बहू, मुझे साफ सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, तू बस हमसे दूरी बना ले। माँ जी अब कैसी बातें कर रही है, आखिर हूँ तो मैं इसी घर की सदस्य ना, कब तक आप लोगों से दूर रहूंगी? घर का सारा काम करना, खाना बनाना, आप लोगों की सेवा करना, यही तो मेरा फर्ज है। और अगर मैं आप लोगों से दूरी बना लूंगी तो ये सब कैसे होगा? तुझे घर का कोई काम नहीं करना है, तू अपने कमरे में ही पड़ी रहे, मैं खुद घर का काम करूंगी, खाना भी तुझे दे दूंगी, लेकिन तू भगवान के लिए हमारे घर में किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ऐसे ही समय बीत जाता है। सास ने सख्त मना किया था नीलम को कमरे से बाहर आने के लिए, यहाँ तक कि नीलम का पति भी उसका साथ नहीं दे रहा था। धीरे धीरे कुछ महीने गुजर जाते हैं। नीलम मानसिक रूप से अंदर ही अंदर घुट रही थी। नीलम की सास घर का सारा काम खुद करती तथा उसका खाना बनाकर उसे दूर से ही देकर चली जाती। नीलम से कोई भी बातचीत नहीं करता था। धीरे धीरे नीलम की तबीयत खराब होने लगती है और उसके सर की जुएं बढ़ने लग रही थी। नीलम और ज्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। ऐसे ही एक दिन नीलम की सास नीलम के कमरे में थी, उसे खाना देने जा रही थी और वे देखती है कि नीलम बेहोश कमरे में पड़ी है। हे भगवान क्या हो गया इसे,
इसे हाथ लगाने में भी डर लग रहा है, कहीं इसकी सर की जू मेरे पास ना आ जाए। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। नीलम की सास अपने बेटे को वहाँ पर बुलाती है। दोनों माँ बेटा मिलकर नीलम को किसी तरह से अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर नीलम को एडमिट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर नीलम से कहते हैं, देखिए आपकी बहू डिप्रेशन में है, उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से उनकी ये हालत हुई है। नीलम की सास अपनी गलती मानकर डॉक्टर को सारी बात बताती है, जिसके बाद डॉक्टर नीलम से कहते हैं, देखिए ऐसे में तो फैमिली को हमेशा अपनी फैमिली मेंबर को सपोर्ट करना चाहिए। जब आपकी बहू के सर में जुए आए थे तो आपको जुओं को खत्म करने की कोशिश करनी थी, ना कि रिश्ते को खत्म करने की। शायद इसी वजह से आपकी बहू डिप्रेशन में। नीलम के सिर में बहुत ज्यादा जुए हो गई थी, वह कई दिन तक ना ही नहीं थी, इसलिए डॉक्टर ने उसके सारे बाल हटा दिए थे। अब वह गंजी हो चुकी थी। नीलम की सास नीलम के पास जाती है और उससे अपनी गलती की माफी मांगती है। कुछ दिनों बाद नीलम भी घर आ जाती है। घर आने के बाद नीलम की सास नीलम का बहुत अच्छे से देखभाल करती है। धीरे धीरे नीलम के बाल हल्के फुल्के सर पर आना शुरू हो जाते हैं, और इस बार नीलम के बिल्कुल भी जू नहीं थी। सुमन, मुझे तो अपनी बेटी सपना की चिंता सता रही है, वो तो बौनी रह गई, अब उसकी शादी कैसे होगी? क्यों जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बोनी इंसान की शादी नहीं होती? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सुमन, शादी आजकल कद काठी के साथ गुण देखकर भी होती है। हमारी बेटी के अंदर तो कोई गुण नहीं है, एक तो हमारी बेटी बौनी है और वो कुछ ज्यादा सुंदर भी नहीं है। किसने कहा हमारी बेटी के अंदर कोई गुण नहीं है? जो गुण मेरे अंदर है वे ही गुण अपनी बेटी को दूंगी। मैं एक शेफ रह चुकी हूँ, मैं अपनी बेटी को शेफ तो नहीं बना सकती, पर मेरी बेटी किसी शेफ से कम भी नहीं होगी। अब क्या था सुमन ये सोचकर कि उसकी बेटी के जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए, इसलिए वो अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाती है। बहुत जल्द सपना बड़ी हो जाती है और वो हर तरह के आइटम बनाना सीख जाती है, जिसके बाद सपना के माता पिता उसके लिए रिश्ता देखने लगते हैं, पर सपना के पिता का डर सच हो जाता है और कहीं भी सपना की शादी नहीं हो रही होती है। मैंने तुमसे कहा था ना सुमन, हमारी बेटी बौनी है, कोई भी उसका हाथ आसानी से नहीं थामेगा। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, अगर मेरी बेटी अकेली रही तो भी वह अपना पेट पाल लेगी। मैंने अपनी बेटी को बहुत कुछ सिखा दिया है, इसलिए आप सपना की चिंता मत कीजिए। सुमन अपने पति को दिलासा देती है, पर कहीं ना कहीं वो खुद भी सपना के लिए परेशान थी। समय यूं ही बीतता है और आखिरकार सपना के घर विवेक नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। विवेक का नाम पूरे शहर में बदनाम था, इसलिए विवेक की माँ उसका घर बसाने के लिए उसकी शादी सपना जैसी बौनी लड़की से करवा देती है। सुमन को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो सपना की शादी विवेक से करवा देती है। शादी के बाद जब सपना अपने ससुराल में जाती है तो वो अपनी लंबी जेठानी को देखती है। अपनी लंबी जेठानी को देख सपना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और सपना की जेठानी तारा उसका मजाक बनाते हुए उससे कहती है, हे भगवान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि माँ जी मेरे इतने स्मार्ट देवर के लिए ऐसी बोनी लड़की ढूंढ कर लाएगी। तुम तो मेरी कमर के बराबर भी नहीं होगी। बहू, हर इंसान में कुछ कमियां और कुछ खूबियां होती है। अगर तू लंबी है तो ये तेरी खूबी है, और अगर छोटी बहू बोनी है तो वह उसकी कमी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुझ में कुछ कमियां नहीं होगी और छोटी बहू में खूब खूबियां होगी, समझी? माँ जी, आपकी आंखें छोटी हैं, इसलिए आपको कुछ भी साफ नजर नहीं आता, पर मेरे कद की तरह मेरी आंखें भी बड़ी है, मैं सब देख सकती हूँ। खैर, मुझे क्या। सपना बहू, अपनी लंबी जेठानी की बातों का बुरा मत मानना, मेरे लिए तो हमेशा दो बहू रहेंगी, एक लंबी बहू और एक छोटी बहू, पर मैं तुम दोनों में कभी फर्क नहीं करूंगी, क्योंकि तू ही है जो मेरे बेटे को अब सुधार सकती है। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। माफ करना, मैंने तेरे घर वालों को नहीं बताया, पर मेरा बेटा थोड़ा सनका है, छोटी छोटी बातों पर लोगों से लड़ाई करता है, उनसे मारपीट करता है, पर मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है। मुझे डर था अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता देती तो शायद तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए मना कर देती। माँ जी, आप भी दिल की बहुत साफ है, आपने पहले भले ही कुछ न बताया हो, पर आपने शादी के तुरंत बाद ही मुझे सब बता दिया। अब देखना, अब इस घर में सिर्फ खुशियाँ आएंगी।
इतना बोलकर सपना घर के कामों में लग जाती है, पर सपना बहुत छोटी थी जिस वजह से साफ सफाई करने में उसे दिक्कत होती है। तो वहीं दूसरी ओर उसकी लंबी जेठानी उसका एक बार फिर से मजाक उड़ाने की कोशिश करती है। क्या हुआ देवरानी जी, घर की सफाई करने में दिक्कत आ रही है? कहो तो मैं मदद करवा दूं। हाँ दीदी, मुझे आपकी मदद चाहिए। घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरा हाथ पहुँच नहीं रहा, आप साफ कर दीजिए। ठीक है, लाओ मैं जाले साफ कर देती हूँ, तुम जाकर पंखे साफ कर दो। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम तो बोनी हो, तुम तो पंखा भी नहीं साफ कर पाओगी। खैर छोड़ो, तुम जाकर रसोई घर में खाना बना लो और घर की साफ सफाई मैं कर लूंगी। तारा सपना के भोलेपन का मजाक बनाती है, पर सपना को तो आदत हो चुकी थी। आखिर वो बचपन से जो ऐसे मजाक झेलती आ रही थी। अब सपना आराम से रसोई घर में जाती है, पर रसोई घर की सारी चीजें काफी ऊंची थी, यहाँ तक कि अब उसे समझ नहीं आता कि वो खाना कैसे बनाए। तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है और अपनी बहू को परेशान देखकर उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती है। क्या हुआ बहू, तू इतनी परेशान क्यों है? माँ जी, आप तो जानती है ना कि मैं बोनी हूँ और रसोई घर में सब चीज काफी ऊपर रखी है, यहाँ तक कि स्लैब भी ऊपर है। मैंने आज से पहले कभी भी ऐसे मॉडर्न किचन में खाना नहीं बनाया। बस इतनी सी बात, मैं तेरे लिए कुर्सी लगा देती हूँ, तू कुर्सी पर चढ़कर आराम से खाना बनाना। सुमित्रा सपना को कुर्सी लाकर देती है। बेचारी सपना कुर्सी पर बार बार चढ़ती और उतरती है और खाना बनाती है। अपनी देवरानी को इस तरह से स्ट्रगल करता देख तारा को बहुत हंसी आती है और एक बार फिर वो अपनी देवरानी का मजाक बनाने लगती है। देवरानी जी, खाना बनाने में कितनी मेहनत कर रही हो, पैर दर्द करने लगेगा। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, वैसे भी मैं इस घर की फेवरेट बहू हूँ, आखिर मैं घर में सबसे लंबी जो हूँ और मेरे जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। और अगर तुम इसी तरह से स्ट्रगल करोगी तो खाना बिगड़ जाएगा, फिर घर वाले बेकार ही तुमसे नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं दीदी, मैं सब संभाल लूंगी, आप आराम से जाकर बैठ जाइए और खाने की चिंता मत कीजिए, खाने का स्वाद बिल्कुल कम नहीं होगा। सपना का जवाब सुनकर तारा का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। बेचारी सपना अब अकेले ही रसोई में खाना बनाती है। कुछ देर बाद जब सपना के हाथों का खाना घर वाले खाते हैं, तो वो सब उसके खाने की तारीफ करते हुए नहीं थकते। सपना बहू, मैंने सोचा नहीं था कि तू इतना अच्छा खाना बना देगी, तुझे खाना बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। तेरा कद छोटा है पर तेरे खाने का स्वाद किसी 5-star होटल से कम नहीं है। माँ जी, इतनी तारीफ करो जितनी इसकी हाइट है, झूठी तारीफ करके इसे आप चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हो। अगर ये गिरी बेचारी तो देवरानी जी की कमर टूट जाएगी। बहू, माना कि तू लंबी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने घमंड में रहे। और एक बात में कभी झूठ नहीं बोलती, अपनी देवरानी के हाथों का खाना खाकर तो देख, क्या पता तेरा सारा घमंड टूट जाए। सुमित्रा के ज्यादा जिद करने पर तारा अपनी बोनी देवरानी के हाथ का खाना खाती है और खाते खाते उसकी सोच अपनी बोनी देवरानी के लिए पूरी तरह से बदल जाती है, जिसके बाद घर की साफ सफाई का काम लंबी बहू के हाथों पड़ जाता है और खाना बनाने का काम बोनी बहू के हाथों। और इसी तरह से सपना बोने होने के बाद भी अपने ससुराल में एकता बनाकर रखती है।